हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं राजस्थान श्रमिक कार्ड के क्या लाभ मिलते हैं और श्रमिक कार्ड की योजनाएं कौन सी है जिनका आप घर बैठे मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और क्या आपको डॉक्यूमेंट और पात्रता चाहिए। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट द्वारा मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड योजना को शुरू किया गया है, जिसमें मजदूरों के लिए शुरू की गई योजनाएं हैं, जैसे शुभ शक्ति योजना, प्रसूति योजना, टोल किट योजना। इन योजनाओं का लाभ है मजदूरों को दिया जाता है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजदूर के पास राजस्थान श्रमिक कार्ड का होना जरूरी है। तो आप राजस्थान की जो श्रमिक कार्ड की योजनाएं है उनका लाभ लेने के लिए आप राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको श्रमिक कार्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल पे जाना है। SSO पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है, और अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे यूजर आईडी दर्ज कर देनी है, और यहाँ पे आपको नीचे पासवर्ड दर्ज करके आपको नीचे कैप्चा कोड दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे एक विकल्प मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे BOCW वेलफेयर बोर्ड का यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा सबसे पहले, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आपको अप्लाई फॉर स्कीम के लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें राजस्थान श्रमिक कार्ड की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको साथ में यहाँ पे फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पात्रता और डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे योजना के नाम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप योजना के नाम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद इस आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी मांगी गई जानकारी है वो आपको सही से भर देनी है, और डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे ही आप आवेदन फॉर्म सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, जिससे आप कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और आप इस तरह से योजना का जो आवेदन है वो यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं अपने घर बैठे मोबाइल फोन से। अगर आप योजना का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको वापस होम पेज में आना है। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट मॉडल में जाना है। यहाँ पे आपको वेलफेयर स्कीम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राजस्थान श्रमिक कार्ड की योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं और योजना का आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आने वाले ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।